पद्मावती 1 दिसंबर को विदेशों में रिलीज होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन BBFC ने फिल्म 12A सर्टिफिकेट देते हुए UK में 1 दिसंबर को रिलीज की परमिशन दे दी। खास बात यह है कि फिल्म में बोर्ड ने किसी तरह का कट नहीं लगाया है। ये घोषणा ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। बता दें कि पद्मावती पर विवाद के चलते फिल्म मेकर्स ने रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया था। इंडिया में अभी रिलीज पर सस्पेंस, दैश इंडिया में भी यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन राजपूत कम्युनिटी के विरोध के चलते इसे टाल दिया गया है। संभावित रिलीज डेट 12 जनवरी 2018 बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। BBFC के ट्विटर पर फिल्म की डिटेल टाइप फीचर फिल्म ड्यूरेशन 164 मिनट रिलीज डेट कोलन 1 दिसंबर 2017 BBFC इनसाइट मॉडरेट वायलेंस और इजी डिटेल जॉनर ड्रामा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली कास्ट दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह शाहिद कपूर अदिति राव हेडरी जिम सर्ब पद्मावती राव समरी पद्मावती हिंदी का एपिक ड्रामा है जिसमें एक सुल्तान राजपूत महारानी को पाने की कोशिश करता है। कट सभी नॉन वर्जन बिना कट के पास। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी बैन, दैश मध्य प्रदेश के बाद गुजरात सरकार ने पद्मावती की रिलीज पर बैन लगा दी है। अपने एक स्टेटमेंट में गुजरात के CAM विजय रूपाणी ने कहा, मैं कई लोगों से मिला हूं, जिनमें फिल्म को लेकर गुस्सा है और वे इसका विरोध कर रहे हैं। फिल्म ने उनकी भावनाएं आहत की हैं और हम उनके नजरिए का सम्मान करते हैं। फिल्म पद्मावती को लेकर क्या आपत्ति है? दैश राजस्थान में करणी सेना, BJP लीडर्स और हिंदूवादी संगठनों ने इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। राजपूत करणी सेना का मानना है कि इस फिल्म में पद्मिनी और खिलजी के बीच इंटीमेट सीन फिल्माए जाने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। दैश लिहाजा फिल्म को रिलीज से पहले पार्टी के राजपूत प्रतिनिधियों को दिखाया जाना चाहिए।